गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग का नाश्ता बना रही हूँ। आज है सैटरडे एंड बस मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच आटा। मैंने उसमें डाला जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन। तो थोड़ा बेसन डालने से टेस्ट अच्छा लगता है और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे तो सिर्फ बेसन का चिल्ला ही अच्छा लगता है, बट मैं आटा मिक्स करके आज बना रही हूँ। और अगर आपके पास प्याज टमाटर हो तो आप वो भी महीन महीन चॉप करके डाल सकते हैं, बट मैं आज प्लेन और सिंपल वाला ही बना रही हूँ। उसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। और अगर फेंटने में थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप इसको मथनी से मथ भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मथनी से अच्छे से मथ लिया ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए और इजी हो जाए। उसके बाद मैं इसको सेकूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको 5 मिनट रख दूंगी। 5 मिनट हो गए थे तो बस अब मैं फ्राई पैन में पहले एक छोटा सा बनाऊंगी। अग्नि माता में मैं रखती हूँ तो सबसे पहले मैं कभी भी बनाती हूँ चाहे रोटी पराठा तो पहले छोटू सा बनाती हूँ। एंड फ्राई पैन मेरा गर्म हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था, अब मैंने फिर से ऑन कर लिया है। अब मैं चिल्ला बना लूँगी। तो ऐसे ही सेक के मैं सारे चिल्ले बना लूँगी। मैंने सबके लिए दो दो चिल्ला बनाया है और बस इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लीजिए। बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो ये देखिए मैं फटाफट बना रही हूँ। और अगर मेरा मतलब फ्राई पैन में मुझे बनाना तो मैं 2 फ्राई पैन रखती, बट मैंने आज एक ही रखा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी काम करना पसंद है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बस एक देखिए मैंने ये दूसरा चिल्ला डाल दिया है और कितनी अच्छी तरह ये बन जा रहा है। सही तो बस सारे मेरे चिल्ले बन गए। तो मैंने अपना चिल्ला लिया मिर्ची के अचार से और बच्चों ने कैचअप से लिया है। और ये मेरी गुड़ वाली चाय है। और बताओ कैसा लगा? और ये मेरा छोटा वाला बेटा दिखता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम लोग को पहले अनुपमा सीरियल नहीं देखना रहेगा, इनको पहले ये रिश्ता क्या कहलाना देखना है। एंड ये मेरी छोटंको, अगर हम लोग कुछ बोलते तो इनको भी बोलना है। परु नो मिट्टी नहीं, मिट्टी खा रही। देखिए मिट्टी चोर। परु सबसे डांट खाती क्योंकि ये छुप छुप के मिट्टी खाती है, मतलब कलर खाती है ये। ये देखिए इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। हम लोग आ गए घर। जूही की अंगूठी बन गई है और बच्चों का भी बन गया था तो बच्चों को पहना दिया है। अभी मैं जा रही हूँ बनाने। मैंने सुबह तो आटा और बेसन का चिल्ला बनाया था इनके लिए, मैंने बनाया था बेसन का चिल्ला, इनको इतना पसंद आया तो मैं फिर से जा रही हूँ बनाने बेसन का चिल्ला और चाय। वहाँ हम लोग को बस थोड़ा ही काम था, बट इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कहीं भी निकलिए, टाइम का पता ही नहीं चलता। एंड अभी हम चिल्ला बनाएंगे, चाय और बच्चों को दूध देंगे, परू को, बच्चों को। उसके बाद मैं जाऊंगी मंडी। आज है सैटरडे तो सैटरडे संडे मैं कोशिश करती हूँ सारी सब्जियाँ ले आऊँ। और एक हफ्ते तक मेरी सब्जियाँ चलती हैं। हरी सब्जियों को मैं अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ, 2 से 3 दिन 4 दिन आराम से चलता है। और उसके बाद हम लोग कल जाएंगे अमीनाबाद। तो कल मैं वहाँ मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर मार्केट का वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं पर्स संभालती हूँ कि मोबाइल संभालूँ तो बहुत कम ही मैं बनाती हूँ। और ये भी नहीं अच्छा लगता कि नहीं बना पाती। नहीं मोनेटाइज वाला बच्चा रात में जो पापा डालेंगे तभी तो होगा, रात को डालेंगे पापा। तो मैं बस 2 ही चिल्ले बनाऊंगी, ज्यादा नहीं क्योंकि हम लोग का पेट है भरा थे तो हम लोग ने वहां बतासा खा लिया है। बस मैं इनके लिए बनाऊंगी। तो बस मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं बेसन, उसमें हम डालेंगे नमक, जीरा और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, नमक। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे क्योंकि इनको सिर्फ बेसन का चिल्ला अच्छा लग रहा। अब ये देखिए मैं फटाफट बेसन का चिल्ला बना रही हूँ और बेसन का चिल्ला आटे के चिल्ले के अकॉर्डिंग जल्दी बन जाता है।
तो एक चिल्ला बन गया है और मैंने कुरकुरा बनाया है, कुरकुरा थोड़ा सा। अब मैं इनको जा रही हूँ देने। और इधर बन गई है चाय, तो सबसे पहले मेरी गुड़ वाली चाय निकलेगी, उसके बाद शक्कर वाली, और हम जूही इनके लिए तीन लोग के लिए चाय बन रही। और ये उनकी हम ले जा रहे हैं उनकी। अच्छा ले लो नहीं ले लो। तो मैं सब्जियां सारी लेके आ गई हूँ, और मैं एक साथ ज़्यादा सब्जियां लाती हूँ। मैं लेके आई हूँ 3 किलो टमाटर, जिसकी मैं प्यूरी बनाऊँगी, उसको स्टोर करके रखूँगी। तो देखिए मैं टमाटर प्यूरी कैसे बनाती हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखते हैं कितने दिन तक स्टोर रहता है। ये देखिए मैं टमाटर लेके आई हूँ, ये देखिए इधर ये 3 किलो मैं टमाटर लाई हूँ, तो 1.5 किलो ये, 1.5 किलो ये, तो इस 3 किलो टमाटर की मैं प्यूरी बनाऊंगी। एंड ये मैं 1 किलो और लाई हूँ घर में यूज के लिए, मूली, धनिया, लहसुन एंड ये पत्ता गोभी, मटर, और इसमें भी मैं सब्जियाँ लाई हूँ, इसमें पूरी हरी सब्जी है। 1 किलो मैंने लिया है पालक, और सोया मेथी 1 किलो, प्याज, अदरक 1/2 किलो, मिर्च, एंड ये मैंने लिया है शिमला मिर्च कि, तो इतनी सब्जी मैं लेके आई हूँ, आलू था पहले से ही। तो बस अभी हम लोग फटाफट बनाएंगे टमाटर प्यूरी। कल हम लोग ने इडली सांभर बनाया था, तो उसका बैटर बचा हुआ एंड सांभर, तो आज हम लोग बनाएंगे डोसा। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं रायते के लिए गरी और मूंगफली को भून ले रही हूँ, थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूँ, और गरी और उसमें भुना हुआ चना, उसकी मैं चटनी बनाती हूँ दही की, और आलू, तो वो दो मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं डोसा बनाऊंगी। बस चलते बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं पीनट भून लूँगी। तो मैंने ये थोड़ी सी मूंगफली ली है, इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का अभी रोस्ट हो जाएगा तब भी अच्छा लगेगा। तो मूंगफली मेरी अच्छे से रोस्ट हो गई है, उसके बाद मैं भुना हुआ चना, जो कि मैंने पहले से खरीद के रखा था, तो ये हल्का सा सील हो गया था, मतलब मुलायम हो गया था, तो मैं इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये भुना हुआ चना भी मेरा भुन गया है, उसके बाद मैंने गरी कट करके रखा है, इसको भी हल्का सा भून लूँगी ताकि पीसने में इजीली पीस जाए। और बस ये तीनों हो गया, चना, मूंगफली और गरी, इन तीनों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। अब इधर मैं बना रही हूँ आलू। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाला है सूखी हुई 4 मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी राई, एंड बहुत जल्दी चटकने लगता है तो आप जल्दी जल्दी कीजिएगा राई। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया करी पत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एंड ये मैंने डाल दिया इसमें नमक। अब आलू मैंने मैश करके रख लिया है छील के, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैंने इसमें आलू में मैं डाल रही हूँ जो होम मेड हमारे घर का बना हुआ अमचूर, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वो अमचूर बना था। और ये व्रत वाला मसाला भी हम लोग इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस इसको हम अच्छे से भून देंगे। तो मैं ये सिंपल तरीके से ही डोसे का अंदर का आलू बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अनियन ऊपर से डालना पसंद है, और इसके साथ अनियन टमाटो मैं नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी, मैं ऐसे ही आलू बनाती हूँ सिंपल तरीके से।
क्योंकि सांभर भी इतना खट्टा होता है, उसमें भी इतना टमाटर होता है, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती, स्किप कर देती हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप ऐसे बना के देखिए, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। बट सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं अपना तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो भरता बन के मेरा हो गया कंप्लीट। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया, और जितना ही दिखने में सिंपल लग रहा उतना ही खाने में ये टेस्टी होगा। तो इधर हम लोग ने गरी, मूंगफली और चने को पीस लिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के दही, और मैंने इसमें डाला नमक एंड ये भुना हुआ जीरा, इसको मैं फिर से पीस लूँगी। उधर मेरी देवरानी मिक्सी में पीस रही है, ये पीस गया अच्छे से। अब मैं इसको दूंगी तड़का, इसको मैंने खाली कर लिया है। और इधर मैंने आलू खाली कर लिया, मैंने जो एक दिन पहले सांभर बनाया था उसको मैं अच्छे से गर्म कर दूंगी, और तड़का तड़का कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि परफेक्ट और बहुत टेस्टी है। तो बस इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। अब मैं देने जा रही हूँ तड़का, जो कि मैं राई, मिर्च और करी पत्ता से दूंगी अपने रायता को। तो बस देखिए, मेरा मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने राई, मिर्च और करी पत्ता इसमें डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था मेरा मस्टर्ड ऑयल। अब इसके बाद मैं दे दूँगी तड़का। अब ये इडली वाला बैटर था, एक दिन बाद इसमें और अच्छे से खमीर उठाइए और डोसा बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए, फ्राई पैन में मैंने पहले एक छोटा डोसा बनाया था, उसको मैंने हटा दिया। अब मैं बड़े बड़े डोसे बना रही हूँ, और इस फ्राई पैन में बहुत ही ईजिली हमारा डोसा निकल जाता है। मेरे पास डोसे वाला तवा भी है, बट मैंने बड़ा लिया है तो उसमें प्रॉपर आँच लगनी चाहिए तभी भी अच्छा बनता है, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें ही बना ले रही हूँ। क्योंकि मेरे गैस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बीच वाला गैस मुझे बनवाना, जब वो बन जाएगा तो उसमें बहुत ही प्रॉपर अच्छे से आँच आएगी, तब मैं वो वाला यूज करूँगी तवा। बट मुझे शौक है इसलिए मैंने लेके रखा है, और एक दो बार मैं बना भी चुकी हूँ। तो ये देखिए, मैं इसमें हल्का हल्का आलू लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाते हैं। ये अनियन हम लोगों ने चॉपर में कट करके रख लिया, तो इसके ऊपर मैं ये डालूंगी। आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर भी डालिए, ड्राई फ्रूट भी डालिए, बट मैं आज आलू वाला ही डोसा बना रही हूँ। बस उसके बाद मैं सबको फटाफट लगा के दे दूँगी। एंड टमाटो प्यूरी भी मैंने साइड में चढ़ा दिया है, बट मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मेरे अगले वाले ब्लॉग में मैं टमाटो प्यूरी का डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा जरूर मेरा आने वाला वीडियो। तो बस ये देखिए, मेरा डोसा सिकता जा रहा है और फटाफट जूही सबको लगा लगा के दे रही है। तो ये देखिए, रायता, सांभर और डोसा हम लोग ने सबको लगा के दे दिया, और बहुत ही स्पीड में बनता है डोसा। बस जो तैयारी में जो भी टाइम लगे उसके बाद बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में बनता, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छा ये डोसा बन रहा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ये देखिए, गर्मा गर्म सांभर। और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट मेरे ये बहुत कम खाते, एक ही डोसा खाते, इनके लिए हम लोग पराठा भी बनाएंगे। तो बस मैं आज अपना ये छोटा सा वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड मेरा कल वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाय।